देखिए नवरात्रों में ये पहला मुहूर्त है मेरे लिए और इसका टाइटल है बैरी सूरतिया। बहुत ही म्यूजिकल टाइटल है, ऊपर से चंद्रमा चंद्राई, इसके जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो भी बहुत म्यूजिकल हैं। मुझे लगता है ये पिक्चर अच्छी बने और हिट जाएगी। रवि जी इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने पहले भी एक फिल्म बनाई थी, बहुत अच्छे गाने होंगे इसके, क्योंकि कभी कभी टाइटल के ऊपर बड़ा डिपेंड होता है कि अगर टाइटल अच्छा है तो गाना भी अच्छा बन जाता है। और उम्मीद करता हूँ कि अच्छी पिक्चरें बने भोजपुरी में। चंद्रमा जी जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर आएँ और लोग अच्छा काम करें, बस मेरी शुभकामनाएं हैं। सर आप फिल्म बनाते हैं, सब क्या ध्यान देते हैं? मैं बताऊँ, म्यूजिक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, पहले हम कहानी पे ध्यान देते हैं, जब कहानी हमारे पकड़ में आ जाती है उसके बाद सिचुएशन निकालते हैं और फिर म्यूज़िक पे ध्यान देते हैं। लेकिन म्यूज़िक जैसे क्रिकेट में ओपनिंग जोड़ी है जो बैट्समैन की, अगर वो अच्छे रन बनाती है तो टीम जीतती है, ऐसे ही गीत और संगीत ओपनिंग जोड़ी है, अगर वो अच्छी है तो फिल्म कम से कम ऑडियंस को अंदर तक लाती है और अगर फिल्म अच्छी बनी है तो वो हिट होती है। तो म्यूज़िक का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप भोजपुरी के हज़ारों लोग जानते हैं, जुड़े हुए काफ़ी टाइम से, आप भोजपुरी फिल्म में ऑडिशन क्यों कर रहे हैं? बस भोजपुरी वाले मुझे लेते नहीं, क्योंकि क्या होता है भोजपुरी जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ लोग वहीं से पूरी मंडली बना के लाते हैं। उनमें जो एक्टर होता है वो गाने लिखता है, जो गाने लिखता है वो गाता है, जो गाता है वो संगीत देता है, जो संगीत देता है वो फाइनेंसर होता है, जो फाइनेंसर होता है वो डायरेक्टर होता है, जो डायरेक्टर होता है वो प्रोड्यूसर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो श्रोता और देखता है। तो मैं कैसे बना सकता हूँ? तो हमारे इंडस्ट्री में क्या कुछ बदलाव इसमें बदलाव अगर लाना है तो हमारे को पर्टिकुलर उन लोगों को लेना चाहिए जो उस काम में दक्ष हैं। एक जो डायरेक्टर सिर्फ डायरेक्शन करता है उसका ज़िंदगी सिर्फ डायरेक्शन के दाव पे लगी है, जो सिंगर गाना गा रहा है उसकी ज़िंदगी दाव लगी है। अगर अच्छे टेक्नीशियन हमारी भोजपुरी में नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ सिर्फ मुहूर्त बॉम्बे का करते हैं और टेक्नीशियन हमारे पास जो अच्छे नहीं होते। किसी ने 5 लाख दिखाया कि मुहूर्त हो गया, पूरा बजट हो भले ही कम बजट हो लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट अच्छी हो और टेक्नीशियन अच्छे हों, कलाकार अच्छे हों, तो फिल्म ज़रूर हिट हो। जी हाँ, इसके जो डायरेक्टर हैं उनसे मेरा परिचय है, वो अभी शुरुआत कर रहे हैं और मेरी दुआ है कि जिन अच्छे टेक्नीशियनों की हमें तलाश है उनमें एक नाम उनका भी है। थैंक यू। गाने मुझे तीन या चार गाने करने हैं, तो बाकी शायद 3 और गाने हैं, अब 6 या 7 गाने हैं। सारे गाने हाँ लगभग धुन तो सबका कंप्लीट है, और जैसे आज से शुरू हुआ तो धीरे धीरे जैसे जिसके सिंगर का जैसे विनोद राठौर है, ये लोग जो जब जब टाइम देंगे, क्योंकि बड़े सिंगर को तो उनके हिसाब से चलना पड़ता है, वो हमारे हिसाब से नहीं देते हैं क्योंकि बिजी रहते हैं। तो अच्छा आप ये बताइए, छपरा सिवान गोपाल जो गाने बजते हैं जिसमें हमारे दर्शकों को सुनाएंगे, आप काफ़ी पुराने म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा पहले जमाने जो गाना सुना था अभी में क्या कुछ नया कुछ चल रहा है आपकी तरफ से? देखिए पहले जो गाने बनते थे, पहली बात तो गुणी थे, वो बहुत गुणी इंसान थे, जानकारी थी
और वहाँ की मिट्टी की खुशबू उसमें हुआ करती थी, जैसे पूर्वी वगैरह में हुआ करते थे। और आजकल के गाने जो है कहीं ना कहीं हम भटक चुके हैं। जैसे अभी क्या करते हैं, बहुत से लोग हिंदी गाने का कॉपी मार देते हैं, धुन को चुरा लेते हैं, या कुछ न कुछ ऐसा करते हैं कि आज दूसरी चीज़ें गंदगी इतनी भर चुकी है कि हमारी भोजपुरी में इंडस्ट्री जो है मतलब हर तरफ से बदनाम होते जा रही है गंदगी के मामले में। और ये सच है कि हमारा जो भोजपुरी में जो रिच है म्यूजिक, हमारे भाषा में भी एक लय होता है, एक सुर होता है जो धीरे धीरे खोते जा रहा है। और इसका कारण शायद अनाड़ीपना है, जानकारी होनी चाहिए, कोई भी काम करने से पहले आदमी जाने समझे फिर करे तो ठीक है। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग जो है अधकचड़े लोग भर गए हैं। सवाल ये है कि आपने कहा कि बदलाव हुआ, बुरा हुआ, लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी हुआ। पहले 12,000 कैसे बिक जाती थी तो गाना सुपरहिट कहा जाता था, एल्बम सुपरहिट कहा जाता था। आज 200 मिलियन व्यूज होते हैं तो कहा जाता है कि गाना चला ठीक ठाक। तो कहाँ 12,000, कहाँ 200 मिलियन, फर्क नहीं है? फर्क है। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आज लोग गंदगी को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप कोई भी उठा के देख लीजिए कौन से गाने 200 मिलियन गया है, कुछ गानों को छोड़ करके अपवाद, बाकी सारे गाने गंदे ही हैं। और सबसे पहले वही लोग देखते हैं, आज के पुराने लोग अच्छे श्रोता कहाँ सुन रहे हैं गाने। हीरो का नाम लेना चाहेंगे तो सबसे गंदा गाना गाता अभी किसका, आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा गंदा किसने गाने गाए हैं या द्विअर्थी गाने जिन्हें कहते हैं? देखिए, द्विअर्थी तो हीरो हो चाहे लोकल सिंगर भी, लोकल सिंगर तो ज़्यादा ही गंदा कर रहे हैं और हीरो में भी कर रहे हैं। अब नाम किसका लिया जाए, कम ज़्यादा तो सभी ने किया है। कहा यह जा रहा है कि फिल्मों की तरह गानों को भी सेंसर कराया जाना चाहिए, कम से कम। हाँ, उस तरीके से आपको लगता है कि गंदगी खत्म हो जाएगी? हो जानी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई दबाव तो होनी चाहिए कि हमें भाई एक लिमिटेशन होना चाहिए। अब हम लोग गाँव में जाते हैं, गाँव में मोहल्ले में लड़कियाँ सब होती हैं और वहाँ गंदे गाने पास में ही लोग बजाते हैं। अब हम लोगों को शर्म आती है कि देखो यहाँ पे सब बड़े बैठे हुए हैं, घर की बेटी पतो, और लोग इतने गंदे गाने, मतलब इतना गंदा कि हम बोल भी नहीं सकते। तो सेंसर तो होना ही चाहिए। और पर्सनली मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारा भोजपुरी सेंसर होके निकले। कभी आपने अपने निजी तौर पे पर्सनल लेवल पर अश्लीलता के खिलाफ, गंदगी के खिलाफ कोई कोशिश की है कम से कम उसे खत्म करने के लिए, या कहीं आपने शिकायत की है गंदे गाने बंद कीजिए? हाँ, मैं तो हर जगह करता हूँ, यहाँ तक कि हमने एक फिल्म बनाई है बेटाओं के तेज से, आप फिल्म को उठा के देख लीजिए, कहीं भी एक गंदगी हो तो मतलब यहाँ तक कि लोग मेरी हीरोइनें तो बोलती थी कि थोड़ा सा भी आप कपड़े को सरकने नहीं देते हैं। मैं बोला भाई देखिए, गाँव की बेटी बहनें देखेगी तो उनको शर्म नहीं आनी चाहिए, बाप बेटी एक साथ बैठे फिल्म देखे, कहीं बाप को ये नहीं बोलना पड़े मैं बाथरूम से आ रहा हूँ। और वो फिल्म सुपरहिट थे? सुपरहिट तो नहीं कह सकते क्योंकि उसमें स्टार नहीं थे, लेकिन जहाँ भी लगा दूसरों से बेटर चला है। मैं हर जगह खुद गया था और वहाँ दूसरे जो भी फिल्म लगी उसके सामने बेटर थी। आप अपने जमाने के जरा कहाँ सुना दीजिए जो सबसे अच्छा आपको हिट लगा हो? एक गाना था बलम परदेसिया में, हमारे चित्रगुप्त साहब ने उसका धुन बनाया था, बहुत ही अच्छा गाना था, रफ़ी साहब ने गाया था वो। मैं गाता तो नहीं हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। चढ़ते फागुन जियरा जरी गई ले रे, मोरा सजना सनेहिया बिछड़ी गई ले रे, मोरा सजना सनेहिया बिछड़ी गई ले रे। चढ़ते फागुन जियरा जरी गई ले रे, मोरा सजना सनेहिया बिछड़ी गई ले रे, मोरा सजना सनेहिया बिछड़ी गई ले रे। आज के ज़माने का जो रिकॉर्ड कर रहे हैं एक लाइन उसका सुना दीजिए। आज के ज़माने में मैंने एक गाना किया था बेटा हो गया था ऐसन में, उसका गाना है सुन गोरिया
तोरे बिन लागे न जिया हो 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 सुन गोरिया तोरे बिन लागे न जिया हो। ये ज़्यादा तो याद नहीं है लेकिन साहब आप कौन सा गाना रिकॉर्ड कर रहे थे अंदर? जी गाना जो है सबसे पहले अपना नाम बताइए हमारे दोस्तों को, क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम है उमेश यादव, मैं सिवान करने वाला हूँ। थोड़ा नजदीक आइए भाई जी, फिर से बोलिए। बैरी सुरतिया का रिकॉर्डिंग किए हैं, कितना खुशी हो रही है गाना सुनाएंगे हमारे दोस्तों को? अभी तो गाना करने जा ही रहे हैं। ठीक है फिर राग भाई सुन पूरे भैया बयार जिया कर बेकरार देखी तोहरा के तो हमरा हो जाला प्यार सुन पूरे भैया बयार। इस टाइप का गाना है, अभी स्केल वगैरह पे देखूंगा तो क्या है, इसलिए मैंने बहुत सुना हुआ है। बहुत बढ़िया उन्होंने म्यूजिक बनाया है और जब म्यूजिक चलेगा तो मुझे पता लगेगा स्किल क्या है सब। अगर कोई नया आदमी सिंगर बनना चाहे आपकी तरह तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो रियाज जरूरी होता है जो सबको ही करना होता है, बिना रियाज का तो कुछ होता नहीं। कितने घंटे रियाज करने चाहिए? 2 घंटे? कम से कम 2-3 घंटे तो रियाज करना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तो 4-5 घंटे, जितना अधिक है अच्छी बात है, और कम से कम 2-3 घंटा तो रियाज होना ही चाहिए। सभी बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, गाना भी बहुत अच्छा है। अब इसको फाइनल जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो पता लगेगा क्या है। मैंने एक सर का ही, चंद्रमा जी सर हैं हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, उनका ही, उनके ही निर्देशन में गाना गाया था ये सुन गोरिया फिल्म बेटा होके तो ऐसा। हाँ वो गाना जो है सुन गोरिया तोरे बिना लागे न जिया हो सुन गोरिया तोरे बिना लागे न जिया हो। इस टाइप का मुखा है इसमें। अच्छा ये आपको इतना ही आता? नहीं इतना ही नहीं आता, पूरा मैंने ही गाना गाया है जी, मेल फीमेल डुएट गाना। ओके थैंक यू। तो बिल्कुल अच्छे होंगे। बताएंगे जरा फिल्म के बारे में, किरदार के बारे में? फिल्म मुझे कुछ दिन पहले जो फिल्म के डायरेक्टर हैं करता धरता हैं सुनील कुमार सुमन जी, इन्होंने कॉल किया और हालांकि पहले मैं जानता नहीं था उनको, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे एक फिल्म बना रहे हैं तो अगर आप इस फिल्म के हिस्सा होंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो क्या होता है कि जब हमको जब भी कोई कॉल आता है फिल्म के लिए किसी चीज़ के लिए, तो थोड़ी देर बात करने समझ में आता है कि फिल्म मेकिंग का क्या पैशन है। तो मुझे लगा कि शायद एक अच्छी फिल्म बना रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है ज़रूर मिलेंगे। तो इस फिल्म में जो मेन लीड कर रहे हैं कुलदीप और सुनील कुमार सुमन जी हमसे मिले और काफ़ी देर हम बैठे और उन्होंने मुझे फिल्म के बारे में बताया बैरी सूरतिया। तो मैंने कहा कि आप मुझे कॉन्सेप्ट ज़रा बताइए तो मुझे अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली मैं करूँगा आपके साथ, क्योंकि मिलके तुमको उनसे मुलाकात करके बात करके डेफिनेटली अच्छा लगा, क्योंकि बात करने से पता चल जाता है कि फिल्म मेकिंग का पैशन कितना है क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बैरी सूरत ये जो कहानी है एक्चुअली एक शक्ल के 7 लोग होते हैं दुनिया में ऐसा कहा जाता है, भले ही हम देखे नहीं है शायद लेकिन ऐसे होता है ऐसे कहते हैं। तो इस फिल्म में एक चेहरे के 2 कैरेक्टर हैं। तो उन्होंने कहा कि एक पॉजिटिव है और एक थोड़ा सा नेगेटिव शेड का कैरेक्टर है, और एक कुछ करता है और दूसरा उसमें फंस जाता है, और दूसरा कैरेक्टर एक फिल्म के एक पॉइंट में एक हवेली में आता है और वहाँ पे एक कैरेक्टर है
तो उन्होंने कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, तो हम चाहते हैं कैरेक्टर आप करें। तो भोजपुरी फिल्म मैंने की है, शायद हम लोग जानते होंगे, बहुत साल पहले किया था। कब आई वो अंगनवा हमार, मनोज तिवारी, श्वेता तिवारी और मैं, हम काफ़ी लोग थे उस फिल्म में। देखिए, हालांकि इन्होंने मुझे बताया कुछ दूसरे लैंग्वेज में कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि हिंदी में भी इसको वो करें और भोजपुरी में भी करें। तो मैं ये नहीं मानता कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री है, हिंदी है या तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है। एक्चुअली स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए और एज एन एक्टर मुझे वो स्क्रिप्ट सुन के मुझे लगना चाहिए हाँ ये फिल्म मुझे करनी चाहिए, तो दैट्स ऑल। भोजपुरी फिल्म क्या है, देखिए अभी लोग कोशिश कर रहे हैं अच्छी फिल्म बनाने के लिए, तो एज एन एक्टर मेरा कर्तव्य ये है कि अगर अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए, हर एक्टर को करना चाहिए, हर टेक्नीशियन को करना चाहिए, सबको करना चाहिए, ताकि छोटी इंडस्ट्री भोजपुरी हो या कोई भी हो वो अच्छे से पले फूले, लोगों तक पहुँचे और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को लोग एंजॉय करें, इज्जत दें, है ना। तो ये कोशिश ये कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है डेफिनेटली। तो और मुझे जेन्युइनली ये कन्विंस कर लिए हैं, वो बहुत ज़बरदस्त कन्विंस करके गए हैं। आगे पर्दे पर ऐसी लड़ाई होने वाली है। हाँ देखिए, वो तो अभी देखिए अच्छी स्क्रिप्ट जब आएंगे तो डेफिनेटली, क्यों नहीं। एक्टर देखिए, मैं तो थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, बहुत थिएटर करके आया हूँ, तो अच्छा काम का भूखा हूँ। तो अच्छी स्क्रिप्ट मिले, करने में मज़ा आए, तो वो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मैंने हिंदी फिल्म्स हर तरह के, बच्चन साहब के साथ भी काम किया है, चीनी का बहुत सारे फिल्म किए, कमल हासन जी के साथ भी अभय 30-35 फिल्में की है। टीवी मैंने एक शो किया लापता गन 4.5 साल, और बहुत सारे टीवी शोज भी किए हैं। अगेन वही बात कि फिल्म या टीवी शो, इसमें मैं थिएटर इसमें फ़र्क नहीं करता, हम एक्टर हैं। हाँ डेफिनेटली फिल्म और टीवी में फ़र्क है, बस एज एन एक्टर हमको वही अगेन अच्छा काम करना है, टीवी हो फिल्म हो, तो ये बात है। वो स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, फिल्म अच्छी बननी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी साहब, रोल। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके हमारे मुहूर्त में, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप लोगों ने अपना समय निकाला, बहुत खुशी हुई। सर, जहाँ तक आपने बोला बैरी सुरतिया के बारे में, तो बैरी सुरतिया जो टाइटल है हमारे फिल्म का, बैरी सुरतिया का मतलब होता है कि बैरी मतलब दुश्मन होता है, ये चेहरा है ये दुश्मन बन गया है, जैसा कि और भी लोगों ने बताया होगा आपको। मैं वही चीज़ को रिपीट करूँगा कि हमारे इस धरती पे ऐसा कहा जाता है कि 7 तरह के चेहरे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि 7 तरह का चेहरा है तो वो 7ों एक जैसा ही हो, 7ों का किरदार अलग अलग होता है। तो उस 7 किरदार को छोड़िए, 2 किरदार मुझे करने का मौका मेरे डायरेक्टर सुनील कुमार सुमन जी दे रहे हैं, जिसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। इन्होंने उस लायक मुझे समझा कि ये करेक्टर मैं प्ले करूँ। एक बिल्कुल शैतान है तो एक साधु है, ये चीज़ एक हर एक्टर चाहता है कि ऐसा करेक्टर मिले। पिछली फिल्मों में इन्होंने मुझे देखा था, तो कुछ काम मेरा अच्छा लगा और इन्होंने मौका दिया है मुझे। यही किरदार है मेरा, मैं 2 तरह का किरदार प्ले कर रहा हूँ, एक नेगेटिव शेड में है और एक बिल्कुल इनोसेंट सीधा साधा करेक्टर है। और मुश्किल होगा एक ही इंसान जब 2 अलग अलग कैरेक्टर प्ले करता है, बड़ा मुश्किल होता है, दोनों में वेरिएशन करना मुश्किल। जी 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 जी, इसमें बहुत ज़्यादा जो योगदान होता है ना, वो राइटर और डायरेक्टर का होता है। हम एक्टर परफॉर्म करते हैं, उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि मेहनत तो करना ही पड़ेगा, हमारा काम एक्टिंग करना ही है, हम उसे की खाते हैं। और आप 7 कैरेक्टर भी करवाए डायरेक्टर, 10 कैरेक्टर भी करवाए, हमें करना पड़ता है, हाँ थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, मुश्किल तो है, लेकिन उसको तैयारी किया जाएगा, करेंगे उसको अच्छे तरीके से किया जाएगा। सुनील जी, क्यों आपको सिर्फ जो बैरी है, जो दुश्मन है, वो सिर्फ चेहरे में नजर आया? जमाना बदल गया, फिरतिया बैरी होती थी, आजकल सुरतिया बैरी होती है। बता रहे हैं आप। सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया बंधुओं को नमस्कार करता हूँ कि
ये मेरी पहली फिल्म है और पहली बार आप लोगों के साथ इंटरेक्शन मेरा हो रहा है, तो इसके लिए आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी आपके साथ संजय जी भी हैं, संजय जी को भी संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल संजय जी को तो कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता है, नहीं कौन नहीं जानता है, सबको जानता है, एवरीबॉडी नो जी। मुझे कितना फिल्म लगता चला जा रहा है तो हाँ पूछिए सवाल। मैं ये कह रहा था बैरी सुरतिया मतलब क्या प्लान है इसे लेकर, सबसे पहले तो बताइए ये कहानी किसकी है, किसने लिखा है, साथ ही साथ इसे कहाँ आप शूट करोगे, कब शुरू करोगे? सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि मैं आपको थीम थोड़ा सा बताता हूँ। मेरा मानना है कि कोई भी फिल्म का एक स्टार्टिंग फिल्म लोग देखने जाते हैं तो कहानी देखने जाते हैं, कहानी क्या होनी चाहिए, तो उसका अपना एक थीम होता है। तो इस स्टोरी का जो थीम है कि कहते हैं कि एक ही चेहरा के दुनिया में कई लोग होते हैं, ऐसा मानना है कि सात लोग होते हैं। अगर हम सातों लोगों को पूरी दुनिया से उठा के एक जगह रखें और सबका करेक्टर जाने तो सब अलग अलग करेक्टर होगा। एक हो सकता है पूरा शैतान है, एक साधु है, कोई डरपोक है, कुछ एकदम डिफरेंट, एकदम कॉन्ट्रास्ट। तो ऐसा ही है इसमें, एक करेक्टर है जो बहुत ही, अब वो जो इस समाज में ऐसे करेक्टर सब अवेलेबल हैं, एक करेक्टर जो ये प्ले कर रहे हैं जो बहुत ही अलग तरीके का है, वो भी एक समाज का एक करेक्टर जो आप देखेंगे वो कितना क्रूर है, कैसा है, आप फिल्म देखने के बाद में चलेगा। और एक करेक्टर है जो उसी के कॉन्ट्रास्ट है, उसके कॉन्ट्रास्ट में कैसा है। तो सबसे पहले तो मुझे इस फिल्म को अभी एक्चुअली ओपनिंग है, मुहूर्त है आज, और मैंने पोस्टर डिज़ाइन किया तो मैं देखना चाहता था लोगों का क्या रिस्पांस रहेगा। तो इस पोस्टर डिज़ाइन से ही पहले लोग बोल रहे हैं यार कुछ तो ये अलग है, क्योंकि तो पोस्टर फर्स्ट लुक पोस्टर का मतलब ये है कि आप कुछ ऑडियंस को दिमाग में सोचने के लिए दें एक्चुअली है क्या ये। तो वो थीम को लेकर मैंने आप लोगों को भी सोचना है कुछ तो इसमें अलग लग रहा है। नाम बैरी सुरतिया, तो ये सुरतिया तो हमारे घर का ही वर्ड है, आंचलिक वर्ड है, ये बहुत सारे पुराने गानों में भी यूज हुआ है, तो इसको समझने में कहीं किसी को कन्फ्यूजन होगा नहीं। और उस फिल्मों में भी यूज हुआ था, पान खाएं सैया हमार हो सांवली सुरतिया, तो सुरतिया एक ऐसा वर्ड है जो हमारे घर का अवधि में भी यूज होता है, इवन कि हिंदी में भी लोग यूज, और बैरी भी उसी तरह का है कि इसको हिंदी में भी अवधि लोगों ने यूज किया है मतलब। तो इसको समझने में और एक कैची भी मुझे लगा और टोटल मेरे थीम पे सूट कर। कब तक फिल्म शुरू हो रही है? फिल्म दीपावली के बाद हम लोग का प्लान है, मे बी नवंबर लास्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। कहाँ शूट करेंगे? अभी गुजरात में हम लोग का प्लान है, गुजरात में, बिहार में और झारखंड में, और गाने का डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हम लोग करने वाले, जो अच्छे लोकेशन ऑडियंस को लगे, एक विजुअली ट्रीट उसको मिले, तो उसके लिए गाने का मतलब इसमें आपको काफ़ी वेरिएशन मिलेगा मतलब सिर्फ। और एक चीज़ और मैं बता ही देता हूँ कि उसमें कुछ ऐसा छुपाने वाली बात नहीं है कि इसमें एक हॉरर एलिमेंट भी है, तो ऑडियंस को एक थ्रिलर का जो फील जो है इसमें वो कंप्लीट आपको मिलने वाला है। एक अभी मैं हाल फिलहाल में, क्योंकि मेरा स्कूलिंग फिल्म इंस्टीट्यूट से हुआ है और एज असिस्टेंट डायरेक्टर कई सारे प्रोजेक्ट किया हूँ, शॉर्ट फिल्म भी किया हूँ, अभी रिसेंट एक शॉर्ट फिल्म में बनाया वो पुणे इंटरनेशनल में वो सेलेक्ट हुआ है, इंदौर वगैरह में उसको अवार्ड भी मिला है। तो लेकिन फीचर फिल्म को लेके मुझे था कि चलो मैं पटना का रहने वाला हूँ तो एक भोजपुरी जोन में ज़रूर बनाऊँगा, तो ये फिल्म कई लैंग्वेज में और लैंग्वेज में डब होगी, तो एक भोजपुरी पहला मैच रिलीज मेरा भोजपुरी में जाएगा क्योंकि मैं उधर से बिलोंग करता हूँ, और एक स्टोरी बेस्ड सिनेमा और हर चीज़ रहेगा, सिर्फ विदाउट लॉजिक की स्टोरी शायद एक भोजपुरी पे हो गया, एक वही चीज़ मिसिंग मुझे लग रही है। आज मैं देख रहा हूँ भोजपुरी काफ़ी इम्प्रूव किया है, इतने बजट की फिल्में बन रही है, एक्शन हर चीज़ें, एक चीज़ मिसिंग है जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ है फिल्म में, वो चीज़ मिस नहीं होना चाहिए उसमें। उससे भी छोटी छोटी इंडस्ट्री है रीजनल फिल्म का, हम लोग जब फिल्म शूट में बहुत हर तरह की फिल्में देखते थे, इवन कि नॉर्थ ईस्ट की फिल्में जब मणिपुरी देखते थे, देखते हैं बहुत, वो लोग कुछ रहे ना रहे स्टोरी बहुत अच्छा रखते थे, तो वही चीज़ एक मिसिंग है। अगर इसको लोग सही कर लेते हैं ना भोजपुरी में तो ये इंडस्ट्री तो और बहुत बड़ी अपने आप में ग्रो फाइनेंशियली और ग्रो करेगी, इसका रिकवरी जैसा बताते हैं इतना ही हो रहा है, इतना ही उससे बढ़ नहीं रहा है,
हम ये चीज़ें इसलिए मुझे ऐसा फील हुआ कि स्टोरी विच है और एक ही ढर्रे की स्टोरी ऐसा पोस्टर डिजाइनिंग को लेकर लोग पोस्टर डिजाइनिंग हाँ क्या होना चाहिए तो पोस्टर अपने आप में पेंटिंग होता है वो एक क्रिएटिव चीज़ है उसका मतलब ये नहीं है कि हर आर्टिस्ट का उसमें चेहरा डाल दो जी कोई किधर देख रहा है कोई किधर देख रहा है उसका एक थीम होता है इसीलिए आपने खाली आंखें डाली हाँ अभी फर्स्ट लुक अभी फर्स्ट मैं मुहूर्त में भी देखा हूँ कि मुहूर्त में भी बहुत सारे पोस्टर तो मुहूर्त पोस्टर जब हम प्रमोशन में जाएंगे तो आपको बहुत सारे पोस्टर आप दिखेंगे धीरे धीरे अनफोल्ड होगी स्टोरी अभी तो आपका मुहूर्त है इसमें हम पूरा स्टोरी अनफोल्ड नहीं कर सकते हीरोइन कौन होगी साहब अभी जो कैरेक्टर आपको हैं इसमें फाइनलाइज हैं कुलदीप कुमार जी हैं क्योंकि इन्होंने काफ़ी काम किया है और आर्टिस्ट का मैं नाम बताता हूँ आपको कृष्णा भट्ट जी हैं जो कि डन है काफ़ी काम किया है उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं लापतागंज में 400-450 एपिसोड कंटिन्यू हो रहे हैं तो उनका फेस हर कोई जानता है एक्चुअली मैं उन्हें बोला कि सर ये कैरेक्टर आपको मैं साउथ के जो ब्रह्मानंद हैं समझिए भोजपुरी का ब्रह्मानंद का कैरेक्टर मैं आपको दे रहा हूँ अगर मैं उनको नैरेट किया तो वो पूछ ही नहीं पाए वो बोले किस लैंग्वेज में बनाओगे मैंने बोला कि सर मैं तो ये पढ़ा था कि सिनेमा अपने आप में एक लैंग्वेज है इसका कोई लैंग्वेज नहीं होता है ये 100 ईयर्स में इतना इवॉल्व हो गया है फिल्म कि इसको कोई लैंग्वेज से नहीं कि और भोजपुरी होगी तो बस ऐसा ही किसी तरह की स्टोरी होगी और हिंदी होगी ऐसा नहीं मैं ये मेरा स्टोरी है आप स्टोरी सुनिए तो मैं इस तरह से करूँगा तो कहीं ये ठीक है कि मुझे सुनाओ स्टोरी हाँ वो हालांकि वो करते नहीं है जल्दी वो भोजपुरी में क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अभी वो कमल हसन के साथ काम कर रहे हैं और साउथ की फिल्में करते हैं और अच्छी फिल्म ही करते हैं सिलेक्टिव काफ़ी हाँ सिलेक्टिव फिल्म करते हैं वो जब तक स्टोरी अच्छी नहीं नहीं करेंगे तो मैंने नरेट किया उनको बाकी यार ये कुछ यूनिक है तुम्हारा अगर ये चीज़ है अगर ऐसे बनाओगे तो वाकई में हर जगह के ऑडियंस को पसंद आएगा हीरोइन अभी इसमें मेन लीड में आपको बताऊँ तो बातचीत चल रही है क्योंकि शूट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो मैंने भी किसी को फाइनलाइज नहीं किया है फाइनल जस्ट शूटिंग से पहले क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे कि हीरोइन फिल्म स्टोरी बेस्ड है कोई सिर्फ हीरोइन का चेहरा सिर्फ डाल दूं उससे मतलब नहीं हीरोइन तो फाइनल हो जाएगी और भी है एक अनुरूपा चक्रवर्ती है वो बंगाल की हीरोइन है तो उसका भी अच्छा किरदार है इसमें और नीलम पांडे जी हैं आप लोग जानते हैं काफ़ी काम करते हैं वो भी हैं तो कैरेक्टर आपको सब परफॉर्मेंस बेस्ट आर्टिस्ट वो मिलेंगे इसमें ऐसा नहीं कि जब इनका क्या नाम है उससे कोई मतलब नहीं है सर आपको खुद लगेगा कि नहीं इसमें ये शूट कर रहे हैं तो इसलिए मैंने उनको कास्ट किया थैंक यू सर हमारे टिंकू जी हैं पूछ रहे हैं कि पंजाबी में भी रिलीज करेंगे क्या देखते हैं सर एक्चुअली ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसको इसमें हॉरर जो एलिमेंट और फुल फ्लेज स्टोरी अभी आपने रिसेंटली हिंदी में स्त्री मूवी सुना होगा देखी होगी वो मूवी मतलब आज अगर उसका प्रोडक्शन बजट बोला जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ कुछ उस तरह का भी स्टार कास्ट नहीं था मैंने भी वो मूवी देखी है लेकिन हर तरह के ऑडियंस को पसंद आ रही है मल्टीप्लेक्स से लेकर सिंगल स्क्रीन और भी वो 150 करोड़ का बिजनेस होती है तो अभी हॉरर का क्या है ना अभी वो जो उसका जो टेस्ट चेंज हो गया हॉरर का मतलब पहले वो राम से बदर सब मत समझिए कि बस सिर्फ कुछ डिस्टॉर्टेड फेस दिखा रहे हैं कर रहे हैं ऑडियंस नहीं देखेंगे परी जैसी फिल्में भी बनती हाँ अभी है हॉरर आपको रखना पड़ेगा लेकिन वो आपको स्टोरी बेस्ड आपको रखना पड़ेगा कि आपका क्या कहानी है उसमें आप वो चीज़ अगर आपको ऐसा दिखाना है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट को लेकर तो आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा क्यों आपने किसी भी आत्मा या जो भी ऐसा कॉन्सेप्ट है अगर ये एक तरह से एक सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट होता है तो वो कॉन्सेप्ट क्यों आपका लाया गया है तो वो चीज़ तो फिल्म में आप देखेंगे वो जस्टिफाइड है थैंक यू सर बैरी कृति आपने गाना गाया सबसे पहले तो आप बताइए आपको खुद कितना मज़ा आया पहले तो टेंशन था इस गाने को गाने के लिए बैरी कृति फिल्म का जो गाना था पहले तो टेंशन बना था कैसे मैं गाऊँ लेकिन फिर सब कुछ अच्छा हो गया और गाने रिकॉर्ड हो गए क्या टेंशन था आपको टेंशन ये था कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं एक मतलब एक धुन का क्या है समझना पड़ता है उस मूड को हर एक वर्ड को सजाना पड़ता है थोड़ा सा मेरे लिए बहुत टफ था लेकिन फिर मैंने उसको थोड़ा सा समझ के और सब अच्छा हो गया किस मूड का गाना है ये हाँ ये रूम के अंदर का है बेडरूम का गाना है और हीरोइन हीरो को अपनी दिल की बातें कहने की कोशिश कर रही है गाने के माध्यम से
आपने तो बड़े ही हिट गाने गाए हैं दोस्तों, नाले गाने भी आपने गाए हैं और इस सिचुएशन के बहुत सारे गाने हैं जो आपने गाए हैं, तो ये गाना फिर कैसे अलग है? हाँ वो बिल्कुल वो मूड वही है जो जिस तरह से आपने जिस गाने की चर्चा करी है तो वो मूड वैसा ही है, रूम के अंदर का है तो थोड़ा सेक्सुअल मूड जो होता है वो मूड हमने रखा है गाने के अंदर। तो म्यूज़िक कैसा लगा आपको इंडस्ट्री? म्यूज़िक बहुत ही अच्छा है, अमन श्लोक जी ने म्यूज़िक दिया है और गीत भी उन्होंने ही लिखा है, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया गा के। आप स्टूडियो में अंदर रिकॉर्डर्स के पास भी बैठी हुई थी, कुछ उनसे भी बातें कर रही थी, असल में क्या हो रहा था? हम सिर्फ कांच से यहाँ से लिपसिंग देख सकते थे, सुन नहीं पा रहे थे। नहीं हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, जैसे कि आप रिकॉर्डिंग जो होती है तो रिकॉर्डर्स की भी इच्छा होती है कि यहाँ पे अगर वर्ड नहीं आ रहा है, जगह पे नहीं आ रहा है, मीटर में नहीं आ रहा है, तो वो हम दोनों डिस्कस कर रहे थे। तो हाँ अभी जो मैंने गाया है वो नहीं, अभी जो जिस फिल्म के लिए हम आए हैं तो गा दें। हाँ ये रिवील हो जाएगा, जानते हैं आप 15 सेकंड अगर वो गाने के लिए तैयार है तो मैं क्या पाऊँगा इंद्र जी सुनाइए। ऐसे था नखिया के राह में उतर जाएगा, बहिया में टूट के बिखर जाएगा, साथिया सबसे पहले सभी देशवासियों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी हम सभी की इच्छाएं को जो हमेशा वो पूरी करती रहे, पूरे देशवासी के लिए मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। जो आपको माता रानी गाना है माता रानी के तो बहुत सारे गाने हैं लेकिन एम वक्त पे याद नहीं रहता याद ही है तो मस्त रहता है। शुभकामना देना चाहता हूँ सभी भोजपुरी समाज को, भोजपुरी भाई को और आए हुए जितना मीडिया के भाई बंधु उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जो फिल्म है बैरी सुरतिया और जैसा नाम है, इसमें एक कलाकार है, दो रोल किए हुए हैं कुलदीप जी इसमें, और इस फिल्म के कलाकार को, फिल्म के प्रोड्यूसर को, म्यूजिक डायरेक्टर को, सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी शुभकामना है कि फिल्म जो है पर्दे पे अच्छी खासी हिट हो, सुपर हिट हो और बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? सर मेरी शुभकामनाएं हैं कि इतनी सुंदर पिक्चर बने, इतनी सुंदर बने कि बैरी सुरेतिया प्यारी सुरेतिया हो जाए। हिंदू को राम राम, क्रिश्चियन को सलाम और मुस्लिम भाइयों को आदर। हमारे तमाम भोजपुरी और हिंदी के श्रोता बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, साथ ही शारदीय अभिनंदन। अभी हम लोग आए हैं फिल्म बैरी सुरतिया के इनॉग्रेशन में और सबसे पहले हम प्रोड्यूसर अजीत और निदेशक सुनील कुमार सुमन दोनों को बधाई देना चाहते हैं कि इन दोनों की जोड़ी मिला के एक बहुत बड़ा कुछ तूफान खड़ा करने जा रही है, क्योंकि मैं इस भोजपुरी फिल्म का पोस्टर डिज़ाइन वगैरह देख रहा हूँ, कुछ अलग हटके है और इन्होंने हटके एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत के लिए की है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। बाकी इस फिल्म के बारे में अभी तक तो आप लोग सब कुछ जान गए होंगे, सारे लोगों ने बताया और फिल्म की कहानी से गीत तक सारा ब्यौरा हो चुका है, साथ ही मैं इनको शुभकामना देना चाहता हूँ इस फिल्म के लिए। और इसके साथ ही अभी एक मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है जवानी की रेल कहीं छूट न जाए, उसे भी आशीर्वाद दें। इसके साथ ही आप सभी को शारदीय अभिनंदन सह नमस्कार, साथ ही माता से ये विनती करूँगा कि विदेश में पाकिस्तान चाइना के साथ अपने देश में गुजरात को भी सद्बुद्धि दे। नमस्कार। थैंक यू।